जमीन के अंदर मौजूद है अल्लाह के पीर वली की एक ऐसी मजारे पाक जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। 900 साल पुरानी बावड़ी जो कि एक जमीन के अंदर बनी हुई और उसी के अंदर यहाँ पे मजारे पाक मौजूद है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देने वाले, लाइव जियारत कराने वाले, जमीन के अंदर यहाँ पे बावड़ी है उसके अंदर जाकर के पूरा मंजर हम आपको दिखाने वाले। जैसे कि दोस्तों आप ये पूरा मंजर देख रहे हो, ये 800 से 900 साल पुरानी बावड़ी बताई जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हो दरगाह शरीफ के अंदर जो खिदमत करते हैं, तो खादिम साहब के मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। और सामने ये ज़मीन के अंदर पूरी काफ़ी घेरी यहाँ पे बावड़ी बनी हुई है और इसी के अंदर यहाँ पर हजरत शहीद बाबा की मजार पाक मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे बावड़ी के आसपास बाउंड्री थी जो कि यहाँ पे अभी घिर चुकी है बरसात के कारण, और यहाँ पे बताया जाता है कि बरसात के कारण यहाँ पे कई बाइक वाले भी गिरे हैं, ट्रैक्टर वाले भी गिरे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो अभी मैं आपको अंदर से जाकर के पूरा मंजर दिखाता हूँ, अंदर से किस प्रकार का ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो यहाँ के खिदमतगार है जो यहाँ पे रहते हैं उनकी जवानी हम आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ का एड्रेस भी बताएंगे कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। जैसे कि आप ये पूरा मंजर देख सकते हो, इसी तरीके से बताया जाता है कि इस बावड़ी के अंदर काफ़ी गहरा एक कुआ भी मौजूद है। दोस्तों इस बावड़ी के अंदर आने के बाद में आपको मतलब जो पत्थर वगैरह वो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर ऐसे ही लगे हुए टिके हुए आपको नजर आएंगे। मतलब दोस्तों जो पत्थर है वो उसके आसपास आप देख सकते हो, तो कोई चूना वगैरह यहाँ पर लगा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, कोई भी मतलब सीमेंट वगैरह, फिर भी वो टिके हुए हैं आप देख सकते हो। अच्छा यहाँ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये बावड़ी है, यहाँ पर बताया जाता है कि एक कुआ भी यहाँ पर मौजूद है। बरसात के टाइम में पुराने टाइम में इसी प्रकार से बावड़ी वगैरह बनाई जाती थी ताकि बरसात का पानी एक जगह इकट्ठा करा जाए। और दोस्तों इसी बावड़ी के अंदर यहाँ पे मजारे पाक मौजूद है, जैसे कि आप ये पूरा मंजर देख सकते हो। दोस्तों काफ़ी पुरानी ऐतिहासिक ये बावड़ी है जो कि मैंने बताया आपको कि 800 से 900 साल पुरानी है, और आप देख सकते हो किस तरीके से इसके अंदर जाने का और आने का पूरा रास्ता बना हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ भी ये पत्थर देखो आप, आयन की बना हुआ सामने दिख रहा है, बिल्कुल मसाला नहीं। ज़ूम कर दे, दोस्तों ये बावड़ी इसी तरीके से काफ़ी बड़ी है, जितना यहाँ पे आप घूमोगे उतना यहाँ पे कम है। और दोस्तों इस बताया जाता है इस बावड़ी के अंदर सांप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, जैसे कि आप ये पूरा मंजर देख रहे हो। और अभी मैं आपको नीचे लेकर के जाऊँगा और जो पीर बाबा की, शहीद बाबा की जो मजार पाक है उसका मंजर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये देखो आप, ये बाबा की करामात है, इस बावड़ी में ये दर शहीद बाबा के कैसे रुक रहे हैं ये पत्थर, इनके करामात से ये पत्थर रुक रहे हैं, इनमें मसाला बिल्कुल, हाँ इन पत्थरों में मतलब मसाला बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी ये टिके हुए हैं, टिके हुए इनकी करामात है ये, यहाँ की करामात, ये बाबा की करामात है ये भी एक बहुत। ये देखो और ये क्या चीज है नीचे जा रही है, सीढ़ियां है। अच्छा जाने की, बावड़ी में जाने के लिए, लेकिन अभी इसमें पानी भरता है या ऐसे रहता है हमेशा, पानी सूख गया इसका। अच्छा सूख गया, दोनों तरफ सीढ़ी आया आने की जाने की। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा मंजर, अभी हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं, अभी हम बावड़ी के अंदर है, मतलब ज़मीन के अंदर बनी हुई बावड़ी के अंदर हम मौजूद है, और ज़मीन के अंदर ही यहाँ पे आपको एक इबादत का नज़र आएगी, और यहीं पे हजरत शहीद बाबा की मजार पाक मौजूद है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी रहस्यमय ये बावड़ी है, जो कि 800 से 900 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जाती है। और यहाँ पे शहीद बाबा की जो मजार पाक है, आप यहाँ पे ज्यारत कर रहे हो, जैसे कि आप ये पूरा लाइव मंजर देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों अभी आपने पूरी यहाँ पे लाइव ज़ियारत करी, जो कि शहीद बाबा के नाम से मजार पाक को जाना जाता है, और यहाँ पे ये बावड़ी का आगे जाने का रास्ता यहाँ पे बंद कर रखा है। ऐसे ही दोस्तों नीचे तक ये पूरी बावड़ी मौजूद है, तो अभी मैंने आपको कुछ ही सीन यहाँ पे बावड़ी का बताया है। अब हम यहाँ के बारे में, यहाँ की जो करामत है इसके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ के खिदमतगार हैं, और आप यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर आ पाओगे वो पूरा एड्रेस, पूरी जानकारी हम आपको यहाँ के ही खिदमतगार के जवानी हम आपको बताने वाले। जैसे कि दोस्तों आप ये पूरा मंजर देख सकते हो, सामने ये बावड़ी काफ़ी अभी अंदर तक और है, लेकिन आप सामने देख सकते हो जो मेन गेट है वहाँ से भी हम काफ़ी नीचे ज़मीन के अंदर मौजूद है, और ये बावड़ी अभी और भी ज़मीन के अंदर है। लेकिन यहाँ पर जो पीर बाबा की मजार पाक है उसकी हमने आपको यहाँ पर ज़ियारत कराई है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, जो यहाँ के खिदमतगार हैं, जो यहाँ के खादिम हैं, उन्होंने यहाँ के बारे में पूरी जानकारी मालूम लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे को जो यहाँ पे शहीद बाबा है उन्होंने की जो खिदमत करते हैं, यहाँ के जो खादिम साहब भी है, हाँ, जो यहाँ के सेवा करते हैं, उन्होंने से हम जानेंगे कि यहाँ की क्या करामत है और ये बावड़ी के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो बताइए सर आप। यार बाबा की बहुत दूर दूर से मन्नतें वाले आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है। अरबी और तादाद में आप ये डंडा देख रहे हो ना, जो करीब 6 महीने भी नहीं, बारिश के टाइम, अभी जो बारिश हुई थी ना अपनी, उसी बारिश के करीब ये ढही थी ये दीवार, उसमें तादाद गिरी। उसके 2-3 दिन बाद इधर से एक बाइक वाला गुजर रहा था, वो बाइक समेत वो भी नीचे आ गया, अपन बाइक वाले की भी एक खुरूज नहीं है। बाबा की काफ़ी करामात है, यहाँ देखने को काफ़ी जिया रहती। मतलब ये करामात है कि कोई भी अगर यहाँ पे हादसा होता है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है? नहीं नुकसान होता है। अच्छा, और क्या क्या करामात है? जो भी आपकी जो मुरादें पूरी होती लेके आते हैं, उनकी मुरादें बिल्कुल पूरी होती है। अच्छा, सभी की मन्नत और मुरादें यहाँ पूरी होती है। और अभी यहाँ पे जितने भी अभी सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे आना चाहता तो वो किस प्रकार यहाँ पे आएगा? ये कहाँ पे, ये कौन सी जगह है, एड्रेस क्या है दरगाह शरीफ का, मजार शरीफ? ये दरगाह शरीफ हजरत सैयद जलाल शाह बावड़ी वाले बाबा नाम, बिशनगढ़ रोड, मनोहरपुर में होत की पाल। अच्छा, तो अभी जो ये बावड़ी है, इस बावड़ी के अंदर मजार शरीफ मौजूद है? हाँ जी, इसके अंदर ही मजार शरीफ मौजूद है। अच्छा, तो यहाँ पे जाने का यही पूरा रास्ता है? यहाँ सालाना में उर्स भी भराया जाता है बाबा के, करीब बकरीद के चांद में 22 तारीख को। अच्छा, सालाना यहाँ पे उर्स भी भराया जाता है, मेला लगता है काफ़ी जियारत आदमी आते हैं, बहुत सी पब्लिक होती है, पब्लिक यहाँ आती नहीं, इतनी पब्लिक होती है। और कोई करामत बाबा की? बाबा की काफ़ी करामत, जो भी लाता है वो दुख से आता है, सुख से जाता है यहाँ से। अच्छा, क्या आपका नाम? मेरा नाम इरफान शाह।